बदरवास जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की शपथ ग्रहण संपन्न। जनपद अध्यक्ष मीराबाई ने बताया कि अब हम सभी लोग एक होकर मिलकर विकास करेंगे, अब हमारा कोई गैर नहीं, और बताया कि इस पंचवर्षीय में जनता के हित में सारे कार्य किए जाएंगे और किसी भी गरीब को अगर कोई अधिकारी कर्मचारी सताता है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। पब्लिक को न्याय दिलाना और पब्लिक के काम करना हमारा कर्तव्य रहेगा। शपथ समारोह में निर्वाचित जनपद अध्यक्ष मीराबाई परिहार, जनपद अध्यक्ष मोहर सिंह पद्रिया और 25 वार्डों के जनपद सदस्य, वर्तमान विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, पूर्व जिला जनपद अध्यक्ष पति बैजनाथ सिंह यादव, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, पूर्व जनपद अध्यक्ष मिथिलेश यादव, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव, बदरवास नगर परिषद उपाध्यक्ष भूपेंद्र यादव, जनपद CEO LN पिप्पल और समस्त जनपद विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। चुनाव लड़े, आज चुनाव सारे खत्म हो गए हैं। हम सभी लोग 2500 लोग में विश्वास दिला रहा हूं कि आपके मान सम्मान में, आपके काम में इस जनपद पंचायत बदरवास में कोई कोर कसर नहीं रहेगी। आपके लिए हमेशा यहां सम्मान भी मिलेगा और बढ़ चढ़कर आप हमेशा इस देश भावनापूर्ण, जो भी जो लोग विरोधाभास किए और जिन लोगों ने दो और दूसरी कल्पना की थी, उन सब बातों को छोड़कर हम सब लोगों को एक साथ रहना है और इस बदरवास क्षेत्र की जिला पंचायत, विधायक, सांसद सब कुछ पद आज हमारे पास हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यहाँ हमारी भाजपा की सरकार है जिसके मुखिया शिवराज सिंह हैं, केंद्र में आज मोदी जी की सरकार है जिसके जिसके पूरी योजनाओं का लाभ हमारी नीचे की जनता तक पहुंचता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज महाराष्ट्र साहब हमारे बैठे हुए हैं, आज जो भी हम सब लोग चुनकर आए हैं उन्हीं की छत्र छाया में बनकर आए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, महाराज साहब के नेतृत्व में, आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम लोगों से चुनाव के समय में अगर कोई भी गलती हुए तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। रखूंगा तथा मैं जनपद सदस्य अपना नाम का पद ग्रहण कर रहा हूँ। इस पद के लिए भी मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1913 में और उसके अंतर्गत बने नियमों में निहित उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का पूर्ण श्रद्धापूर्वक, सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। मैं अपने कार्य में अपने पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, सामाजिक न्याय की भावना को सर्वोपरि रखते हुए गरीब एवं पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए सतत प्रयासरत रहूंगा। मैं यह प्रयास करूंगा कि पंचायत क्षेत्र के विकास की एक दीर्घकालीन योजना बने जिसमें मेरी पंचायत के सभी गांवों का विकास हो, सभी बालक बालिका स्कूल जाए, उन्हें प्रतिदिन मध्याह्न भोजन मिले, गाँव के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, सभी लोग स्वस्थ रहें, मेरे क्षेत्र का कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़े, मेरी पंचायत के प्रत्येक गरीब को मांग अनुसार रोजगार मिले, नई नई तकनीकों का लोग फायदा उठाएं जिसके उत्पादकता बढ़े और पंचायत क्षेत्र आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बने। मैं अपने कार्यकाल में अपने गांव की दशा बदलने के लिए प्रयासरत रहूंगा।